हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के फॉर्म रिजेक्शन की क्या क्या आपके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने ये गलती करी है तो आप इस गलती को सुधार सकते हो, आपके पास अभी मौका है ना। तो यहाँ पर पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि आपके फॉर्म किन किन कारणों से जो है रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका, अगर यहाँ पर अगर जो हमें नोटिफिकेशन में जो बताने वाला हूँ आप लोगों को क्या क्या कारणों जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, अगर आपने कुछ गलती की है तो आपके सवाल जो है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किन किन कारणों से आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो किन किन कारणों से जो है आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो का मतलब वो है कि जिस जैसे पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो होती थी, जिस प्रकार से जो आपका बैकग्राउंड भी जो है वाइट और जो फ़ोटो भी आपकी वाइट होती थी, इस प्रकार के जो फ़ोटो होती थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ऐसा फ़ोटो अपलोड किया है तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर टोपी के साथ फ़ोटो। ठीक है, टोपी के साथ फ़ोटो का आशा ये है कि यहाँ पर अगर आपने टोपी पहनकर फ़ोटो खिंचवाया है तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉगल्स पहने हुए फ़ोटो। ठीक है, गॉगल्स पहने हुए का ऐसा मतलब आपने जो है, अगर देखिए गॉगल्स के दो ऑप्शन होते हैं। पहला जो होता है कि आपके जो है नॉर्मल आँखों के लिए जो है उपयोग होता है, लेकिन जो फैशन वाले जो गॉगल होते हैं वो अगर आपने पहन के फ़ोटो खिंचवा के अपलोड किया है तो वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं, ढका हुआ सर। ढका हुआ सर का मतलब ये होता है कि जैसे हम मतलब धूप से जो है अपने सर को ढक देते हैं या मुंह को जो है बांध देते हैं, इस प्रकार से अगर आपने फोटो खिंचवा के डाला है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, अन्यथा आपके फॉर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो ये तस्वीरें जो एक छोटे से आकार या फिर जो पूरी तरह से बदन वाली फ़ोटो, मतलब जो फुल साइज फ़ोटो होती है, ठीक है, या फिर छोटा सा आपने खींच लिया है सेल्फी टाइप का, इस प्रकार की फ़ोटो आप लोगों को नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपने पूरा जो मतलब सिर्फ चेहरा आना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर आपने फुल फ़ोटो अपलोड कर दिया है वो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब केवल एक तरफ का दृश्य दिखाती है, अगर एक तरफ का दृश्य अगर कोई फोटो दिखाती है जिस प्रकार से सेल्फी होती है तो यहां पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला क्या है, चेहरा पहचानने योग्य तस्वीरें होना चाहिए। ठीक है, चेहरा पहचानने योग्य तस्वीरें मतलब उसमें नाक का नाक सभी चीज़ें स्पष्ट तौर से दिखनी चाहिए। फोटो को जो है फोटो स्टेप कॉपी या ग्रुप फोटो सेल्फी आदि फोटो द्वारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सेल्फी में फोटो लेके जब वहाँ से अगर आपने कॉर पकड़ के निकाला है तो ये फोटो आप लोगों को नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फोटो कॉपी मतलब फोटो को अगर फोटो बनवा के, जैसे एक फोटो थी आपके पास उसको आपने जो है कंप्यूटर में जाके उसको वैसी फोटो आपने बनवा ली और अपलोड कर दी तो यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। वहां पर क्या होता है, ठीक है, वो फोटो स्पष्ट तौर से दिखती है, इस वजह से वहां पर फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या चीज है, ठीक है, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल कहा गया है यहाँ पर कि मोबाइल मार्क्स फोटो और अन्य फोटो के बीच ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपने मोबाइल से फोटो खिंचवाया है, ठीक है, मोबाइल से फोटो करके अपलोड कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखिए बहुत से स्कैनर होते हैं मोबाइल में, उससे जो है आप फोटो को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्लियरिटी अगर आपकी फ़ोटो की बहुत अच्छी है तो वहाँ पर आपके फॉर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगला, अन्य लोगों के बीच फोटो में बिना ऑनलाइन आवेदन, मतलब यहाँ पर जैसे दो लोग, जैसे आपने क्या काम करते हैं कि दो लोग होते हैं, ठीक है, आधा चेहरा एक व्यक्ति का और आधा चेहरा एक व्यक्ति का लगाकर जो है एक चेहरा बना दिया जाता है जिसमें जो है परीक्षा देने एक जाता है और जो है फॉर्म किसी और के नाम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो फोटो जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला देखिए, बी में है कि पूंजी ब्लॉक और संबंध पत्रों में हस्ताक्षर। ठीक है, आपने सिग्नेचर किया है तो पहला सवाल आप लोगों का ये है कि आपने ब्लैक पेन से कर दिया या फिर आपने ब्लू पेन से कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात, आपने अगर ब्लू पेन से सिग्नेचर किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर आपने ब्लैक पेन से कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये अगर दो आपके कलर है ब्लू एंड ब्लैक तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ब्लैक से कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको रेड से अगर आपने कर दिया है तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रेड से अगर आपने सिग्नेचर किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक पूंजी मतलब यहाँ पर आपने जैसे जो आपका सिग्नेचर करने के लिए आपका जो पेज था, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से जो है सिग्नेचर नहीं होता, जैसे यहाँ पर ब्लॉक में बना दिया आपने, यहाँ पर जो है कर दिए सिग्नेचर, तो ये जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि के अनुसार पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं है। देखिए, या फिर आपने जैसे आपका जो है पंजीकरण 12/4/2019 को आपका समाप्त हो गया है, यहाँ पर जैसे आपको उम्र जो है ज़्यादा भर रही है या फिर कम भर रही है, इस वजह से भी जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वहाँ आपने जो आपका एज रखा गया है उसमें अगर आपके अंदर में है तो ठीक है, या फिर उससे उसके अंदर है तो ठीक है, उससे कम है या फिर ज़्यादा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये चीजें हो गई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गलत तरीके से भरा या घटाया गया जन्म तारीख। ठीक है, मतलब आपने अगर डेट ऑफ बर्थ को ऊपर नीचे किया है, या फिर आपकी वहां पर उम्र जो है ज्यादा भर रही थी या फिर कम हो रही थी, इस वजह से आपने जो है डेट ऑफ बर्थ को कम ज्यादा किया, तो वहां पर आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा आप अपने फॉर्म को किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए है। विभिन्न रेलवे या एक ही रेलवे की कई अनेक आवेदन। ठीक है, मतलब आपने एक जून से आवेदन किया तो किया, आपने दूसरे जून से भी आवेदन कर दिया, तो वहां पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मामले में सभी आवेदन होंगे अस्वीकार। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कर दिया कि अगर दो बोर्ड से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ये आ रहा है कि जैसे आपने एक जून में रजिस्ट्रेशन करके रखा है और दूसरे जून से फॉर्म डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, देखिए ऐसा यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने उसी ईमेल आईडी, जैसे आपने एक मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ से उसी ईमेल आईडी से अगर आपने मतलब रजिस्ट्रेशन एक जून से कर दिया, जैसे चेन्नई से रजिस्ट्रेशन कर दिया और मुंबई से उसी ईमेल आईडी से जो है आपने फॉर्म डाल दिया, तो वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर बढ़ते हैं। और उम्मीदवारों को आरआरसी परीक्षाओं से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट तौर से कहा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर बात करते हैं एफ पॉइंट की, कि किसी भी आरआरबी आरआरसी की सूची में जो उम्मीदवार का नाम, ठीक है, मतलब ब्लैक लिस्ट जो होती है आरआरबी की, मतलब पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, फिर आपके फॉर्म पर जो है बैन लगा दिया गया किसी कारणवश, तो उनके पास वो डाटा उपलब्ध होता है, तो वहाँ से जो है आपके फॉर्म को मैच किया जाएगा और वहाँ पर अगर आपके इसमें कुछ पाया जाता है पहले से या फिर आपको हटा दिया गया है पहले ही, तो वहाँ पर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अधूरा या गलत तरीके से भरा गया आवेदन। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम लोग फॉर्म जो है गलत तरीके से भर देते हैं, मतलब नाम कुछ होता है, ठीक है, बाकी सभी चीजें जो है गलत तरीके से भरी जाती है, इस वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पर अन्य कोई भी अनियमितता जो आरआरबी आरआरसी द्वारा देखी गई हो या असामान्य मानी जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आरआरबी की जो अनियमितता होती है यहाँ पर अगर है तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ जो है अगर होती है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे, आपके जो सवाल है वो भी बताएंगे। तो मैं आप यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से फॉर्म को जो है सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग आरआरबी की साइट में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है लास्ट में जो एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा कि लॉगिन उम्मीदवार। ठीक है, लॉगिन उम्मीदवार आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेज ओपन होगा तो यहाँ से अगर आपने जिस जोन से फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, जिस जोन से फॉर्म फिलअप किया था उस जोन में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो है पंजीयन जो आपका था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देना है। ठीक है, इतना डालने के बाद आपके सामने जो है दो ऑप्शन आएंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, या मतलब मॉडिफाइड जो फॉर्म करके आएगा, तो उसमें आप लोगों को जो है इसमें 100 रुपये का जो है वहाँ पर पे करना होगा। 100 रुपये जो है आपको फॉर्म ये करने के लिए जो है लगेगा। ठीक है, तो 100 रुपये आपके पहले पेमेंट कटेगा, उसके बाद जो है आपको फॉर्म जो है करने के लिए जो है आपको मतलब देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपने इनमें मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताया है इनमें से अगर आपके इसमें पाई जाती है तो आपको जो है फॉर्म को जो है एक बार देख लीजिएगा और जो है सुधार कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को निश्चित ही पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और जो है उनकी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।